बड़ा अफसोस होता है ऐसी गाड़ियां जाते देखते हुए। पुदीना ले ले पुदीना। बाकी अपने इलाहाबाद में तो कई तरह के लहसुन मिलता है, बट ये असली वाला लहसुन है और खाने में बहुत बढ़िया है। और आई थिंक यही तो भौकाली है सिविल लाइन्स की। यहाँ सिविल लाइन्स क्यों आता है? यही लिए आते हैं कि यहाँ मनोरंजन चमक है, दमक है। और तो मैं हूँ आपका दोस्त आयुष और पीछे है मेघराज भाई। तो आज हम लोग आपको खिलाने वाले सिविल लाइन्स की कुछ स्ट्रीट्स की कुछ मजेदार चीजें। तो चलिए स्टार्ट। मेघराज हियर, वंस अगेन वी आर बैक विद न्यू वीडियो। और आज हम लोग कवर करेंगे स्ट्रीट फूड। और स्ट्रीट फूड में सबसे पहले अगर किसी चीज़ का नाम आता है तो वो आता है फुल्की। फुल्की नाम जैसे ही आता है तुरंत ही मुँह में पानी आने लगता है। और हमें लगता है कि फुल्की सबको बहुत ही पसंद है। और जिस माहौल में मैं खड़ा हूँ अभी, जिस एरिया में हूँ, कुछ हार्ट ऑफ इलाहाबाद है सिविल लाइन्स एंड आई एम नियर PVR। और ये भैया है, शॉप का नाम है देव दरबार। तो इनके यहाँ पे आज हम लोग फुल्की ट्राई करेंगे। मतलब इनकी खासियत क्या है ये तो बता दो। हाँ, ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छा क्या हमने याद दिला दिया। इनकी खासियत ये है कि इनके यहाँ पर टेस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगा, वो भी एक ही जगह पे। जैसे एवरीथिंग इज अंडर वन फ्लोर, तो एवरी टेस्ट विल बी अंडर वन शॉप। और सबसे अच्छी बात ये भी है कि मतलब पानी तो मतलब फुल्की में एक ही पानी का खाते हो। यहाँ पे कई तरीके की वैरायटी है, बोलते तो रेगुलर है पर यहाँ लिखा है रेगुलर, तो रेगुलर हो गया एक। और एक है लहसुन का है, एक मीठा है और एक खट्टा है। तो तीन चार पांच टेस्ट है यहाँ पे, पांच तरह की वैरायटी आप देख सकते हैं आगे काउंटर पर लगा हुआ। और ये पूरा लुक एंड फील है। अब मेघराज भाई फुल्की खा के टेस्ट करके बताएंगे। तो एक्साइटेड, मुझे तो बड़ा मुंह में पानी आ रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि बस जल्दी से आए, प्लेट मिले, धड़ाधड़ स्टार्ट किया जाए। बट वही बात है, अभी सबसे पहले पूछेंगे प्याज है तो मना करेंगे प्याज नहीं है। तो भैया बताइए प्याज है? प्याज है बड़ा यार, प्याज है। तो फिर स्टार्ट करते फुल्की खाना। मेकिंग चेकिंग हो रही है और लाइन लगी हुई है बेहतरीन तरीके से। सिविल लाइन्स के एरिया को हर कोई वाकिफ है। वैसे जस्ट सामने मोची है, मोची के सामने रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं भैया। किसी की बाबुल की दुआएं उठ गई। बड़ा अफसोस होता है ऐसी गाड़ियां जाते देखते हुए। तो सभी लोग जानते होंगे भाई साहब PVR किसका किसका ठिकाना रहा है। PVR ये बता दो, टैग कर दो उस बंदे को। और भाई साहब मजे। रेगुलर क्या टेस्ट है? जीरा। अब हम लोग देखते हैं इसका टेस्ट क्या है। स्वाद है, लग रहा मुट्ठी भर के जीरा बांट रही हूँ। और बढ़िया स्वाद है। और ये सेकंड वन कौन सी वाटरिंग है? कौन सी ये? ये रेगुलर। ये आया, ये है रेगुलर। बाकी थर्ड वन जादू की झड़ी अपने घर में घुमाते हैं और ये खिलाते हैं। अब ये क्या टेस्ट है? मीठा है। मतलब मजा आ गया भाई। जब पान बनावट वाला सुना होगा, फुल्की इलाहाबाद वाला, देखे भूख के स्वाद भी आ रहा है। ये कौन सा है? पुदीना ले लो, पुदीना ले ले पुदीना। ये लास्ट है, ये लहसुन है, ये सबसे आखिरी है और यही आखिरी है, बस रखूंगा अभी यही। पांच इनफ होती है। लहसुन का लहसुनपन मिल रहा है, मतलब हल्का फुल्का गार्लिक है, बहुत बढ़िया है। आप लोग जो समझ रहे हैं लहसुन लहसुन, वैसा लहसुन से थोड़ा सा बाहर आइए। बाकी अपने इलाहाबाद में तो कई तरह के लहसुन मिलता है, बट ये असली वाला लहसुन है और खाने में बहुत बढ़िया है। और आई थिंक आप सब लोग यहाँ पे विजिट करें। और ₹10 वर्थ है, भैया बोलेंगे तो 5 की 6 खिला देते हैं। क्यों भैया 5 की 6 खिलाएंगे लड़कियों को? खिलाएंगे मतलब। नाम क्या आपका? नाम तो बताएं। किशन बताइए। और यहाँ पे छोटे मोटे हमारे दोस्त थे, अब बजाओ। सामने और जस्ट कान्हा मोटर्स है, उसके जस्ट बगल में भैया का स्टॉल लगता है एक छोटा सा। तो यहाँ पे आपको चिकन और वेज दोनों मिल जाएंगे। तो अब चलते हैं हम लोग भी, अपने लिए क्या लगवा रहे हैं? अब जो भी लगेगा लगेगा बहुत तकड़ा। और यहाँ पर पहली चीज़, अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर है ये पेटीएम करो, लोगों का मतलब ये नहीं है। हम लोग ये देख सकते हैं मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि कई दोस्त भाई कहते हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। तो भैया ने ये भी कर रखा है। तो भैया क्या खिलाने वाले हैं?
भैया हमारे यहाँ वेज है, पनीर है और चिकन है और सोयाबीन वाले हैं, तो आप जो कहें मैं खिलाऊँ। तो आप ऐसा एक मिक्स लगा दीजिए। तो भैया जल्दी से देखते हैं मोमो। सोयाबीन अभी लगता है हर जगह मिलता नहीं है, तो अभी लगता है सोयाबीन आपके यहाँ सबसे अच्छा होगा। और ये प्लेटिंग हो रही है। और ये लग गया हमारा मोमो। ये खजाना बन रहा है, देख खजाने के अंदर खजाने। ये कौन सा है? ये वेज वाले हैं। हाँ? जो गोल है और लंबे वाले सोयाबीन वाले हैं। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होने का। ये आपका मेरी स्पाइसी चटनी है और ये मेरे ना। हाँ, और ये मेरी मेयोनीज है। अच्छा, बस मेयो जाता नहीं। ये प्लेटिंग लग गई है, खा के बताते हैं। ये पूरे की आप है, कितने की कीमत है? ये अभी आपने मिक्स करके दिया है। करीब 30 रुपए की है। करीब 30 रुपए। चलिए ठीक है। तो वैरायटी ऑफ मोमोज आ रही है और प्लेट एंड इट इज फुल विद वैरायटी ऑफ मोमोज। मतलब आप इंडिविजुअल भी ले सकते हो और अगर आप मिक्स करा सकते हो तो भी बेस्ट है। सर्व्ड विद लवली मेयोनीज, सबका फेवरेट, और ये मोमो चटनी। मोमोज के साथ तो मेड फॉर ईच अदर वाला कनेक्शन है इनका। मेड फॉर ईच अदर। तो चलिए शुरुआत किया जाता है। सोयाबीन वाला कौन सा है? लंबा वाला। चलिए भैया की एक अलग पहचान है, लंबा सोयाबीन। और ये गोल्ड डिप किया और ये मेयो लगाया और ये 3-2-1। अदरक का स्वाद आ रहा है किसमें? फीलिंग तगड़ी है इसकी। अच्छा, फीलिंग अच्छी है, बहुत जहर जैसा स्वाद हमें लग रहा है इसमें। और थोड़ा सा डुबो के लगाएं क्योंकि ये बताया इन्होंने कि ये चटनी जो इन्होंने बनाई है घर की बनी हुई है। नो एक्स्ट्रा एडिटिव्स। बात है कि ये बहुत अच्छी है और खाने में भी अच्छी लग रही है। खा के देखता हूँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ वेज से। वेज देखो गोल है, स्टार्ट किया। नॉट बैड रेट के हिसाब से चीज़ें काफ़ी सही है। सही है। तो आपने कौन सा ट्राई किया था? मैंने वेज किया था और ये सोयाबीन है, तो सोयाबीन का शेप देख लो ऐसा है। मुझे दिया सॉस, पूरी डिप होनी चाहिए तभी मज़ा आता है भैया। जो सोयाबीन का फ्लेवर है भैया की फोटो दे दिखा दीजिए कि है शॉपिंग की। और ये भैया की शॉप है पूरी पूरी। भैया ये बाहर आइए, बाहर आइए, बहुत अच्छा है भैया। 5 सालों से यहाँ पे शॉप लगा रहे हैं भैया। का नाम बता दीजिए। दीपक चौधरी। दीपक चौधरी। तो और ये लाल कलर का आपको छतरी दिख रही होगी, तो इस टाइप से सब्सक्राइब का भी बटन आ रहा होगा तो सब्सक्राइब कर लो। और मेघराज भाई ने पूरा मोमोज खत्म कर डाला, पहले कहते नहीं खाएंगे और अब खा लेते हैं, मौके में मार देते चौका। बात ये है कि अपना काम बनता, बाकी आप समझ रहे हैं। और ये हमारा लल्लू कोल्ड ड्रिंक, इसका कभी और रिव्यू कर दूंगा। तो फिलहाल हम लोग चल रहे अभी सुभाष चौराहे की ओर और सामने है रिलायंस। भाई सब चहल पहल की कदमियाँ। तो लल्लू कोल्ड ड्रिंक ये मतलब एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग इन्जॉय करते हैं फैमिली टाइम, क्यों मेघराज भाई? यही तो भौकाली है रिलायंस की। यहाँ सिविलाइज क्यों आता है? दिल्ली आते हैं कि यहाँ मनोरंजन चमक है, दमक है। और बैड हार्ट ऑफ द सिटी सिविलाइज। और ये एक मित्र जिसकी की बाएं से दाएं जाइए, दाएं से पहला बाएं आए उस पर ले लीजिएगा, तो हमारा घर आ जाएगा। और ये आगे सेंटर ऑफ सिटी में, मतलब सुभाष चौराहे में। ये किसी और की बाबुल की विदाई लेने फिर निकलने पड़े। हम लोग आ गए सॉफ्टी कॉर्नर पे और मेघराज भाई ने चला चला के हालत टाइट कर दी थी और देख रहे हो पीछे कितने खुश हो रहे हैं। और यहाँ मतलब सिटिंग का एरिया देख रहे हो कितना अच्छा है, आओ एंजॉय करो साथ में। बाकी अब अपनी आइसक्रीम लगवाते हैं तो काफ़ी मज़ा है। और ये बात जो यहाँ की आइसक्रीम की शॉप है वो सुबह 11 बजे से खुल जाती है और इनके पास मतलब डिफरेंट वैरायटीज़ है। और बात एक चीज़ और, इनके पास रेनबो आइसक्रीम भी जो 7th फ्लोर तक जाती है आइसक्रीम जनरली। तो अपनी आइसक्रीम लगवाते हैं और यहाँ पर आपको कोल्ड कॉफ़ी और आइसक्रीम सारी चीज़ें मिल जाती है। ओल्ड शॉप है भाई साहब, तो आप समझ सकते हैं मतलब क्वालिटी मैटर करती है और साथ में पब्लिक यहाँ पर डिमांड है, सीधी सी बात है। और देख लो फैमिली है, सारी चीज़ें हैं और साथ में सिविल लाइंस का नज़ारा है, तो ये सीन है। एक शॉप ये है, एक शॉप ये, बट मैं रिकमेंड इसको करता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर तकरीबन 4-5 साल से तो मैं खा रहा हूँ। और ये है इनकी कोल्ड कॉफ़ी और साथ में सारी चीज़ें हैं। और ये हमारी आइसक्रीम लगी और भर भर के अंकल आइसक्रीम लगाते हैं, तो ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। बाकी अंदर का क्लीनिंग वगैरह देख लो, क्लीनिंग काफ़ी सही है। बाकी अंदर भी सारी चीज़ें देखो, फ्रेश एंड फ्रेश मटेरियल रहता है, बाकी अब और क्या चाहिए। और ये रही हमारी आइसक्रीम एक सेट तैयार, सस्ते दाम में है और काफ़ी वगैरह बहुत सस्ते दाम में हम देते हैं। हाँ, और नहीं तो और क्या चाहिए। और ये कोल्ड कॉफ़ी तैयार हो रही है। तो वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड कर रहे हैं और हम लोग ने आइसक्रीम इन्जॉय की अपनी। आप भी आओ एक बार आइसक्रीम इन्जॉय करो, गर्मी काफ़ी अच्छी है। और मेघराज भाई अभी कहीं बिजी है। तो वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट
शेयर करके बताना जल्दी जल्दी इस शॉप पे। वैसे शॉप का टाइमिंग भी सुबह 11 बजे से रात के 10 बजे तक रहता, तो अभी हम लोग ने 3 से 4 स्ट्रीट्स कवर की ओवरऑल। तो नेक्स्ट वीक।